तो हमारा तो ख्याल ये था कि उसको आमदार बनाने की ख्वाहिश थी हमारी वाली। कुछ भी खुश नहीं है साहब हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा कन्हान नगर परिषद, कन्हान का वो क्षेत्र जो हमेशा से लोग जरूरतों के लिए तरसते रहे हैं, सुविधाओं के अभाव में जीते आए हैं। वो क्या सोचते हैं, उनके जीवन में क्या बदला और नगर परिषद के कार्यप्रणाली से कितने खुश हैं, उस पर नजर डालते हैं। यहाँ के अध्यक्ष, नगर परिषद जो अध्यक्ष है, करुणा अष्टांकर है। और बताया ये जाता है अभी तक कि करुणा अष्टांकर एक ऐसी महिला हैं जो हमेशा से लेकर स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो तकलीफ़ में लोग रहते हैं, उनके लिए हमेशा से दौड़ती आई है। तब जब चुनाव वो जीतने की थी या फिर नगर अध्यक्ष बनने की थी, तब पहले मैंने ऐसा सुना था कि वो बहुत यहाँ पे आया जाया करती थी, क्या ये सच है? बहुत, ये बात सही है। सही है, सही है। अच्छा, तो अभी जैसे आप लोगों को अभी भी आना जाना शुरू है, वो उनका आना जाना लगा रहता है? नहीं, नहीं, अब आना जाना नहीं लगा रहता। अच्छा, तो अभी आप लोगों को जो भी समस्याएं होंगी, तो उन समस्याओं से क्या छुटकारा मिला है या आज भी आप समस्याओं में ही जूझ रहे हैं? आज भी समस्या में जूझ रहे हैं। उनको जाके हमने कई बार बोले कि हमारे को इस चीजों की सुविधा होना, तो वो क्या बोलते हैं, उधर से फंड आने दो, ये होने दो, वो होने दो। हम तो कुएं से पानी पीते, वो भी कुएं में हमारे कुएं से, नगर परिषद के तरफ से कुछ भी नहीं है। नगर परिषद तो पूरा बेकार है, कोई काम का नहीं है। वो मैडम बोली है कितनी दफा बना दूंगी रोड, तो वो करुणा मैडम बिन रोड नहीं बनाती, कुछ नहीं बोलती है, हाँ बना दूंगी नाली बना दूंगी, रोड बना दूंगी, अभी तो कोई नहीं। आप लोग नगर परिषद के काम से, सुविधा से, फैसिलिटी से खुश हैं कि नहीं है? कुछ भी खुश नहीं है साहब हम। आप अकेले नहीं कि पूरा मोहल्ला नहीं? पूरा मोहल्ला नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है। ये तक स्कूल जाते हैं, इनको भी सुविधा नहीं है, या स्कूल जाता है इसको भी सुविधा नहीं, इनको भी। पढ़ने जाते हो? हाँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? स्कूल में। क्या पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी क्लास में? दसवीं। दसवीं में? तो यहाँ पे क्या तकलीफ होती है पढ़ाई करने में या फिर रहने में? पढ़ाई करने में कोई भी नहीं, मच्छर काटते, नदी वगैरह रहती है, स्कूल की बस भी नहीं आती, पैदल जाना पड़ता। क्या तकलीफ है थोड़ा बताइए। ये नाली नहीं है, नल की सुविधा नहीं है हमको, बराबर लाइट की सुविधा नहीं है, फिर बताओ हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये साहब बिच्छू से काट के खाने दे हमको, मरने दे। मैंने सुना ऐसा कि जो मैडम है करुणा अष्टांकर, वो चुन के आई तो गरीबों के लिए काम करने कुछ वाली। कुछ भी नहीं करती है, आती है, देखती है और चले जाती है। वादे किए थे उन्होंने? कुछ नहीं, वो वादा उसका उसका झूठी है, हजार बार आई है, कुछ भी नहीं करती है, कोई साधन नहीं देती है। साधन नहीं, जल्दी आ जाते है। अच्छा, पिछले बार वादे बहुत किए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, बहुत किया, बहुत वादे किया, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे। वोट किसको दिए थे आपने? उसी को दिया था, करुणा मैडम को। क्या सोच के वोट दिया था उनको? हमारी सुविधा करेगी, हमारे रोड बनाएगी, हमको नाली बनाएगी, पानी देगी। तो अभी सब कुछ क्या क्या मिल रहा है इन सब चीजों में? अभी कुछ भी नहीं, प्लास्टर आती नहीं है और देखती भी नहीं हमारे तरफ। ये नगर परिषद कन्हान का वो क्षेत्र है जहां आज़ादी के 75 साल के बाद भी यहां के इनकी जो बुनियादी सुविधाएं होती है, जैसे पीने के लिए पानी हो या ठीक तरीके से बिजली हो, नाली की सुविधा हो, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की सुविधा हो, ये सब कुछ से ये सब वंचित है आज़ादी के 75 साल बाद भी। वोट देने के बाद भी यहां के नगराध्यक्ष को बड़ी उम्मीदें से आप लोगों ने वोट दिया। उसको जिताया हमने ना साहब, बेटा दो दफा हमने उसको होड़ दिया, क्या किया हमारे लिए, क्या किया? कुछ भी नहीं करती है, जीत के भी आती है, कुछ भी नहीं करती है, वादे करके चले जाती है और निकल जाती है। वादे फिर से आया चुनाव, पैसा सरकार से मिलता है वही खाती है, अपना जेब गरम करती। पहले सारे लोगों के लिए अच्छा करती थी, दौड़ भाग करती थी, फिर जैसे उन्होंने नगर परिषद का वो जो नगर परिषद का जीता, तब से इधर का उतना ध्यान ही चला गया। इधर का क्या, सतरापुर का ध्यान गया। हमने एक बार नहीं उसको दो बार लाया, ये तीसरी बार भी जीत के हमने चलाया। और बोलना उसको, पूछना कि दीपक पुरोले कैसे तेरे साथ में घूमता था। आपको दिख रहा है गंदेगिरी हमारे सामने, कचरा फेंकने की गाड़ी आएगी बोले वो भी नहीं आ रही है, हम जाके फेंक के आ रहे दूसरे के पल्लट। क्या मिल रहा है, एक क्या अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा है? कोई भी एक सुविधा नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं मिल रहा है। पहले मोदी ने दिया था संडास, वो ही मिला है बस, और कुछ नहीं मिला है। उन्होंने भी तो गरीबी झेली है ना अष्टांकर ने, उसको मालूम नहीं कि गरीबी कैसी जीते करके। तो हमारा तो ख्याल ये था कि उसको आमदार बनाने की ख्वाहिश थी हमारी वाली, पर उन्होंने, सही बता रहा मैं, गलत नहीं बोल रहा, उनको आमदार की सीट बिठाने पे थी, पर उन्होंने ये काम किया नहीं ना, इसके वजह से हमारा सारे का मन खट्टा हो गया।
वोट कैसे दे? छतरापुर के एमजी नगर के सारे वोट मैंने दिलाने लगा है। वो मेरे को बोलते हैं कि तुम तो उनके साथ में घूमते थे, कैसा करिए मैडम, क्या क्या उन्होंने कौन सी सुविधा की, अभी तक की कोई सुविधा हुई नहीं। करुणा स्टांकर के काम से आप लोग खुश हैं कि नहीं? काय के खुश है, कुछ भी तो नहीं है हमारे इधर, क्या साधन है, हमारे बच्चे इसी पड़े। ऐसे ही पब्लिक पोल हम आप तक लेकर आते रहेंगे, नेताओं की सच्चाई आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहें NBC News। आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBC News पे। जय हिंद।